Welcome everyone, this is Ariba and you're watching me at Pakistan's Stock Market Update, a session with Chase Securities. नाज़रीन, अगर आप परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में किस तरह ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो आप लोग चेस सिक्योरिटीज में अपना अकाउंट रीओपन करवा सकते हैं. और अगर साथ ही साथ अगर आप लोग PSMU में अपना ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को मज़ीद मैनेज करना चाहते हैं, तो आप लोग चेस सिक्योरिटीज में अपना अकाउंट रीओपन करवाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करें. सो मूविंग टुवर्ड्स द सेशन, आज हमारे हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद इजवान, ही इज द डायरेक्टर ऑफ चेस सिक्योरिटीज. आइए इन्हें वेलकम करते हैं एंड आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है सर. जी अल्लाह का शुक्र है. आज जैसे हमने देखा सर, जैसे कि आज हमने देखा मार्केट 6700 पॉइंट्स नेगेटिव देखिए आज हमने मार्केट, तो सर इसके पीछे क्या रीजन रहा? 6700 आई गेस नहीं थी, 500 पॉइंट नेगेटिव थी बाजार. और एक टाइम पर मार्केट जो है अरीबा, शायद जो लो लगा है वो शायद 600-800 पॉइंट का था, 800 पॉइंट का था. तो आई गेस 800 पॉइंट्स का लो बनाने के बाद मार्केट क्लोज हुई है 531 पॉइंट पे क्लोज हुई है. और बाजार में एक्चुअली जो है जो सेक्टर लीड कर रहे थे पिछले दिनों वो थे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर. और उसमें हुआ ये करीब जब बाजार में करेक्शन आना शुरू हुई, जब वो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन थी कि 40 रुपये का पे आउट आ जाएगा PPL पे. सो लास्ट फ्राइडे को एनर्जी मिनिस्टर साहब ने अपनी स्टेटमेंट भी दी कि जी हम जो है IMF के साथ निगोशिएशन में हैं और उनसे अप्रूवल लेने के बाद हम कोई जो है ना कुछ प्लग एंड प्ले डिविडेंड और कुछ और चीज़ों पे काम कर रहे हैं. जब उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं आई या कुछ पे ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, जो कि लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ा जल्दी है क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा था कि 2 हफ्ते इस पर लग सकते हैं, तो उस चक्कर में फिर इलेक्शन पे अनसर्टिनिटी की वजह से बाजार में हमने देखा कि जब से डेट अनाउंस हुई मार्केट जो है ना कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है. तो उसको देखते हुए बाजार में आज जो है ना हमने उस सेलिब्रेशन कंटिन्यू देखा. ज़्यादा प्रेशर हमने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में देखा और बाकी हमने मेरे हाथ से तकरीबन 531 के अंदर अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर के कुछ पॉइंट थे, कुछ पावर जनरेशन के, ज्यादातर एक्सप्लोरेशन के पॉइंट थे, इसको मैंने भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया. सर ओके सर, जैसे हमने आज ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमने काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखा, दोनों ने तकरीबन नेगेटिवली परफॉर्म किया, तो सर OGDC और PPL के हवाले से क्या करंट लेवल पे इस करेक्शन के बाद एक्यूमुलेट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए. उसकी वजह यह है कि अगर आगे आप इसको सिर्फ और सिर्फ इस डिविडेंड को हटा के भी देखें ना, तो इसमें जो डेवलपमेंट हुई है कि आगे चल के इसमें डिविडेंड कैश फ्लो अर्निंग्स काफ़ी बेहतर हो जाएंगी क्योंकि गैस प्राइस बढ़ने की वजह से और सरकुलर डेट की रेजोल्यूशन की वजह से इनकी जो अर्निंग है ना काफ़ी आगे चल के बेहतर होंगी. मेरे हिसाब से स्टैंड अलोन बेसिस पे भी इनको देखना चाहिए और इसमें कोई कोई बुरी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये जो है ना अगर इस पर डिविडेंड नहीं भी आता तो ये स्टॉक सारा साल इस तरह से पिटते रहेंगे, दोबारा अपने लो की तरफ चले जाएंगे. मुझे लगता है ये लेवल्स अच्छे हैं, स्लोली ग्रेजुअली इन स्टॉक्स में एक्युमुलेशन करनी चाहिए. ओके सर. सर अच्छा, पावर सेक्टर में हमने देखा हब पावर में कल भी और आज भी दोनों दिन अच्छे वॉल्यूम्स लगे इसमें, और सर आज इसका नोटिस भी आया था सर, तो इस हवाले से अपना व्यू दे दें. देखिए नोटिस में इस पे उन्होंने अनाउंस किया है कि जो एंग्रो के अंदर एक जो है एंग्रो थर कोल माइनिंग जो कंपनी है उसके अंदर जाके वो अपना स्टेक लेने की कोशिश लेंगे. तो आई गेस ये कोई नेगेटिव खबर तो नहीं थी, बट लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि बस कोई पे आउट वगैरह के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो, तो वो ना होने की वजह से आज हमने इस पर प्रेशर देखा. कल इस पर तेजी थी, आज इसमें थोड़ा प्रेशर देखा मार्केट के साथ साथ. सर पीटीसी के अंदर आज हमने अच्छी पॉजिटिविटी देखी और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमने इसके अंदर अच्छी पॉजिटिविटी देखी, और सर ओवरऑल मार्केट तो नेगेटिव रही लेकिन इसके अंदर फिर भी इसने आज पॉजिटिवली परफॉर्म किया, तो सर इसके पीछे क्या वजह थी? आई गेस इसके पीछे ये था कि इसमें जो स्टोरी थी ना वो अभी भी इंटैक्ट है, तो लोगों ने थोड़ा सा स्टोरी पे जो है ना थोड़ा एक्युमुलेट किया था और उसके बाद जो है ना जब क्वांटिटी पूरी नहीं हुई तो वो स्टॉक जाके ऊपर का ताला हो गया. बट कोई रिसेंट डेज में कोई नोटिस या इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं है कि डील में कोई ब्रेक थ्रू हो, तो टेलीनॉर वाली डील इनकी चल रही थी. रिसेंटली इसने हाई बनाया था 14-15 रुपए का, फिर करेक्ट हो गया था, तो वहां से अपवर्ड रैली ड्यू थी इसमें. जी बोले
अच्छा सर, पीआईए के डील के हवाले से एक अपडेट दे दें, क्योंकि आज हमने देखा पीआईए में काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ काफी अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटी देखी हमने। तो सर, इन्वेस्टर्स को क्या इस क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी के हवाले से क्या इसको पीआईए को देखना चाहिए? आगे सरीफा, टीआईए में ना एसएच को डील से कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को फायदा होगा नहीं, और उसमें हुआ ये कि अगर पीआईए की जो है ना डील अगर कोई यहीं कहीं कैरी वरी में होगी, क्योंकि जो है ना पीआईए में सिर्फ रूम्स हैं जो अवेलेबल है फॉर सेल पे, ऑपरेशंस में और कोई खास चीज़ है नहीं। और अगर आप इसके डेट को माइनस कर रहे हैं तो पीछे कंपनी में डेट अलग कर दिया, ऑपरेशंस को आपने अलग कर दिया, ऑपरेशन में भी सिर्फ रूट्स अवेलेबल है, कोई जहाज वगैरह की कोई बनती नहीं है। मेरा ख्याल है काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, अब यहाँ थोड़ा सा ना कॉशियस होना चाहिए या थोड़ा एग्जिट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, वरना अब आप देखें कल जो पीएसएमसी का अचानक से नोटिस आया है उसमें जो है लोग एग्जिट नहीं कर पाए और आज भी नीचे का ताला हुआ हुआ है, और अब 600 रुपए की प्राइस में मुझे लगता है कल भी नीचे का ताला होगा। ओके सर। सर, बैंक्स के हवाले से अपना व्यू दे दें, क्योंकि बैंक्स अच्छे काफी खास करेक्ट कर चुका है। तो सर, बैंक्स कौन से बैंक्स आप रिकमेंड करते हैं? बैंगल इस्लामी ने आपको पहले भी रेकमेंड किया था, मीसा, एमसीबी बैंक, बैंकल हबीब, हबीब मेट्रो, ये बैंक है जिनमें आपको अभी पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। ओके सर। सर, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कल के मार्केट के हवाले से आपका क्या वो है, कि कल क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मार्केट में, और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को कुछ सजेस्ट करना मेरा चाहेंगे ख्याल कल है, के लिए? हाँ जी हरीफा, कल जो है ना मेरे हाथ से आज भी बाजार में हमने देखा कि जिस स्टॉक में खबर नहीं थी उनमें हमने प्रेशर देखा, बाकी चीजें तो चल रही बेहतर हो रही थी ना, जैसे आज हमने पीटीसी देखा कि ऊपर का ताला हो गया, पीएसएमसी में नेगेटिव खबर थी और नीचे आ गया, पीपीएल में खबर नहीं थी इसलिए वो करेक्ट हो गया। इसके अलावा हमने देखा साजगार ने परफॉर्म किया जबकि पीएसएमसी सेक्टर में उसने अंडर परफॉर्म किया या वो नीचे 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 के ताले पे था, तो अब सेक्टर वाइज चीजें चल रही है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो है ना कल भी हमें मार्केट में रुझान थोड़ा मिक्स ही रहेगा मिलेगा, लेकिन जो चीज़ यहाँ ताले ताले लग रही है या उनमें एक्टिविटी है तो वो शायद अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आगे आने वाले सेशंस में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।